हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ की मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रुपीज़ एंड पैसे, जिससे रिलेटेड हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। लगभग मैं बेसिक जानकारी बताते हुए आपको जो है आगे ले चलूँगा। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप जो है अभी छोटी क्लासेस के साथ साथ आप बड़ी क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल आसान भाषा में जो है बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम बेसिक जानकारी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये में हम जानते हैं कि 100 पैसे होते हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें कि 2 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं कि 200 जो हो जाएगा पैसे हो जाएंगे। उसी प्रकार 10 रुपीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 पैसे हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होता जाएगा 100 का। जैसे कि 5 रुपीज़ पूछ लिया तो 5 × 100 बराबर में क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमसे क्वेश्चन जो है अगर इसके विपरीत पूछ लिया जाता है कि आखिर पैसे, एक पैसे में कितने रुपये होते हैं, तो इसका आंसर भी हमको पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे हो जाएगा, तो वैसे ही 1 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये जो बेसिक जानकारी है वो हमें जाननी चाहिए, और आगे क्वेश्चन में यही जानकारी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको चित्र के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि आपने बचपन में या अभी भी आप अपने माता पिता के साथ अगर आप ये कॉइन्स को देखते हैं तो आपने ये हमेशा देखे होंगे कि 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे। ये 1 रुपये का तो अभी जो है करंट में चल रहा है, 2 रुपये के भी चल रहे हैं, 5 रुपीज़ के भी चल रहे हैं, 10 रुपीज़ के भी चल रहे हैं। लगभग ये जो 10 पैसे वाले जो कॉइन्स हैं ये अभी लगभग सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपको अगर घर में आप चाहेंगे अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछेंगे तो शायद आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको ये जानकारी तो हुई कि आखिर कॉइन्स जो है कैसे दिखते हैं, 10 पैसे का कैसे दिखता था, 20 पैसे का जो है कैसे दिखता था। तो एक जानकारी हमें ये मिलती है कि पैसे से जो है एक रुपीज़ का जो सिक्का जो होता है, भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन रुपीज़ का जो सिक्का, मतलब कि हम उसकी मात्रा में देखें, जैसे कि हम पैसे में देखें तो 1 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का ये पैसों की अपेक्षा जो है ज़्यादा होता है, मतलब कि पैसों से रुपीज़ जो होते हैं बड़े होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। पहले भी मैंने बताया है कि 1 रुपीज़ में इतने पैसे होते हैं, तो पैसे जो है रुपीज़ से छोटे हो रहे हैं। तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये कॉइन्स जो है 20 रुपये, 20 पैसे के और 25 पैसे के आखिर दिखते कैसे थे। तो मैंने आपको जो है ये चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि बच्चों को जो है ये चित्र जो है ज़्यादा याद रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपीज़। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 पैसे जो है हाउ मैनी, कितने, जब हम 10 पैसे हमारे पास होंगे तो हमारा जो है 1 रुपये बनेगा। तो मैंने बताया हुआ है आपको पहले कि 10 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पैसे, ओके। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पैसे, है ना। ये तो सभी को जानकारी है कि 1 पैसे में हमारे कितने हो जाते हैं, 100 पैसे, और यहाँ पे हमारा कितना है, 10 पैसे। यानी कि हमें 10 पैसे, कितने 10 पैसे के कॉइन्स हो हमारे पास कि हमारा जो है 1 रुपीज़ का जो है एक सिक्का बन जाए, यानी कि हमारे पास कितने सिक्के होने चाहिए कि हमारा जो है एक 1 रुपीज़ का सिक्का बन जाए। तो 10 पैसे का एक सिक्का, 10 पैसे का 2 सिक्का, तो कितने हो गए, 20 पैसे। इसी प्रकार हमारे 5 हो जाएंगे तो 50, और 10 हो जाएंगे तो हमारे 100 जो है पैसे हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि 100 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रुपीज़। ये जो है बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लगभग बच्चों को जो है बिल्कुल मैं बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक बार जो है आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो फिर आपको जो है कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए 10 पैसे का हम डिवाइड करते हैं किसमें, 100 में, तो कितना आता है हमारे 10, है ना। तो 10 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन्स होने चाहिए, 10। हम जानते हैं 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है। तो दैट्स इज आवर आंसर जो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज़, ओके। तो 25 का कॉइन्स है, हमें 1 रुपीज़ का जो है कॉइन्स को बनाना है, तो 25 का हमें किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 100 में। तो 25 का आपको जो है टेबल
मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो 25 का डिवाइड करेंगे हम 100 में तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4, यानी कि हमें 25 के कितने 4 कॉइन्स अगर जब हमें चाहिए रहेंगे, जब हमारे पास होंगे, तब हमारा 1 रुपीज़ का जो है कॉइन्स बन पाएगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है सभी समझ में आ रही होंगी कि 25 × 4 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ओके, सो यहाँ हमने देखा कि 25 के जब हमारे पास 4 कॉइन्स होंगे तब हमारा जो है एक 1 रुपीज़ बन रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन हो जाए हैं, 25 की जगह हमारा 50 पैसे का कॉइन्स भी हो सकता है, तो 50 का हम डिवाइड किस में करेंगे 100 में, तो 100 बटे क्या हो जाएगा हमारा 50, तो वहाँ आंसर हमारा उस दशा में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। इसकी जगह पर अन्य पैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि 20, 25, 50 और भी जो छोटे छोटे कॉइन्स चलते हैं पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। तो मैं आशा करूँगा कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कि आखिर हमारा जो है ये हम कैसे 1 रुपये बना सकते हैं, 1 रुपये की जगह जो है 10 रुपये भी पूछा जा सकता है। चलिए एक अलग प्रकार का क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 20 पैसे इज़ ब्लैंक पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 20 पैसे जो है वो 1 रुपीज़ का कितना पार्ट है, मतलब कि कितना भाग है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो 20 रुपये का जैसे हम कॉइन्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे, 20 का हम 100 में डिवाइड कर रहे थे, तो वहाँ आ रहा था हमारा 5 आ रहा था। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20/20/100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो 1/5 जो हो जाएगा हमारा ये भाग हो जाएगा, मतलब कि 20 पैसे जो हो जाएंगे कितना भाग है हमारा 100 का, 1/5 जो है उसका भाग है। ओके, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन जो है, 25 पैसे इज़ खालिस्तान जो हो जाएगा पार्ट ऑफ 1 रुपीज़, तो वैसे ही हम करेंगे 25/100 कर देंगे, तो 25 को हम काट देंगे 100 से, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा हमारा, मतलब कि 100 का जो पार्ट है 25 जो है कितना है 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार 20 का जो है 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार पूछा जा सकता है 10 पैसे का, 10 पैसे कितना पार्ट है जो है 100 रुपीज़ या 100 पैसे या 1 रुपीज़ का, तो उसका हम बोल सकते हैं 1/10 जो है पार्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इज अवर क्वेश्चन, दिस हमारे ये क्वेश्चन हुए, और मैं आशा करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे आखिर हमने कैसे इनको सॉल्व किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आपका जो है कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है इन क्वेश्चंस को करने के बाद, समझाने के बाद, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने इतने अच्छे से समझाने का, बेसिक से समझाने का आपको प्रयास किया है कि आपको समझ में ही आया होगा। थैंक यू दोस्तों।